जय जय सियाराम, जय बजरंगबली। श्री हनुमत भक्ति दर्शन यूट्यूब चैनल का विशेष अंक, साप्ताहिक सत्संग श्री हनुमान जी महाराज का, और इसी कड़ी के लिए आज हम उपस्थित हैं प्राचीन गंगे बौड़ी श्री हनुमान मंदिर में। और आज जो हम व्याख्या करवा रहे हैं, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक कहो को डरना, जो है उसको आप यहाँ पर मंदिर से जो है हम विशेष प्रसारण कर रहे हैं। और हमारे साथ में जो व्याख्या कर रहे हैं उनसे आप भली भांति परिचित हैं, लाला चिदांश अग्रवाल जी। तो आइए सुनते हैं पूरी व्याख्या। जय जय सियाराम, श्री सीताराम की जय, महावीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। मैं उपस्थित हूँ प्राचीन गंग विहार बावड़ी गौतमी के आश्रम पर स्थित अति प्राचीन श्री हनुमत सिद्ध मंदिर। हनुमान जी के चरणों में प्रथम प्रणाम करते हुए आज हमारे मित्र ने एक प्रश्न के दोहे का, क्या कह लीजिए चौपाई का जो भावार्थ है, उसकी व्याख्या करने के लिए साप्ताहिक सत्संग में कहा है। प्रत्येक मंगलवार को हमारा साप्ताहिक सत्संग होता है और ये लिखा हुआ है, आज हम इसी की व्याख्या करेंगे। सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक कहो को डरना। इसका अर्थ भी लिखा हुआ है, जो भी आपकी शरण में आते हैं उन सभी को आनंद प्राप्त होता है। जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी से क्या डरना। लेकिन डरता मनुष्य सबसे ज्यादा स्वयं से है। क्यों डरता है? हनुमान जी की एक विशेषता है, ये सिर्फ राम काज करिबे को आतुर हैं, इसलिए इनको तो सब सुख है तुम्हारी शरणा। इनकी शरण में सब सुख इसीलिए रहते हैं क्योंकि ये क्या जपते हैं, देखिए बड़ा अद्भुत है स्वामी मंदिर। और यहां पर जो लिखा हुआ है वो बड़ा अद्भुत लगा मुझे। यहां पर हनुमान जी के दृष्टिकोण से यहां पर श्री सीताराम जी, भाई लक्ष्मण और चरणों में हनुमान जी विराजमान है। आप देखिए अति प्राचीन, बहुत सुंदर अद्भुत प्रभु, आपको कृपा कर दी आपने, बहुत वही जो राम रचि रहा था। तो मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि मैं यहां दर्शन करने पहुंच जाऊंगा। और हनुमान जी के मन में देखिए क्या रहता है, राम कैसे, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरारणे। अब आप खुद सोचकर देखिए कि आप पता नहीं किस किस के सहस्त्र नामों को जपते रहते हैं और क्या क्या करते रहते हैं। तो ये हमारे महावीर बजरंगबली हैं, राम बात करें मेरे को आतुर, और राम लखन सीतावन बसिया, इनके पास और कोई काम काज है ही नहीं राम काज के अलावा। एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल यहां पर छिपा हुआ है, ये उत्तर है उसका, सब सुख है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक कहो को डरना। जब आप अपने को आध्यात्मिक पालेंगे, अध्यात्म का मतलब है आप जब अधिक से अधिक आत्मा की ओर बढ़ेंगे, अर्थात आप अपने काम काज को भी जब राम काज बनाएंगे इनकी भांति स्पष्ट बिल्कुल, तब आपको क्या प्राप्त होगा, सब सुख है तुम्हारी शरणा। जो इनकी शरण में है वो आपके मन में जाएंगे, वो आपके अंतःकरण की शुद्धि के हिसाब से आएंगे। ऐसा नहीं है कि लिख दिया सिर्फ और ऐसे हो जाएगा, और आपने पढ़ दिया, आप 10,000 बार पढ़ लीजिए इस को सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक कहो को डरना। और एक और जिसका सबसे सर्वाधिक आजकल दुर्भाग्य से दुरुपयोग हो रहा है वो चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। उसका वैदांतिक भावार्थ समझिए भैया, खाली कहने से काम नहीं चलेगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत का मतलब है जो कुछ भी आपके अतीत में हो चुका उसका वर्तमान से कोई लेना देना नहीं। पिशाच का मतलब है भूत पिशाच जो भविष्य में घटित होने आया है, जिसका आपको कुछ पता नहीं है, उसका वर्तमान से कोई लेना देना नहीं। वर्तमान सिर्फ एक है जो है ये महावीर बजरंगबली, इन्हें के नाम महावीर बजरंगबली अद्भुत एक सत्यनिष्ठ चेतना। देखिए आपको ये बताएंगे, एक सत्यनिष्ठ ऐसी चेतना जो श्री राम के चरणों में देखती है, अद्भुत। आप इनको वो मत समझ लें जो आप इनको समझ रहे हैं, है ना, ये बिल्कुल उससे बहुत ऊंची चीज है। एक ऐसी दिव्य चेतना है जो अपने अंतःकरण की सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित है, उसका नाम है हनुमान। हनुमान अर्थात अपने होने का मान ही नहीं, अपने होने का जिसको मान नहीं पे हनुमान। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, कहां से आ जाएंगे भैया, जहां भी असत्य होगा वहां सत्य महावीर उपस्थित होंगे तो वो तो अपने आप ही गायब हो जाएगा ना। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना, महावीर का नाम ले लेंगे तो असत्य अपने आप जय जय सियाराम। ये आप इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि हर पर भक्ति दर्शन चैनल देखिए आप हमारे मित्र राहुल सिंह का, और इस पर बने रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बड़ी सुंदर जगहों का हम आगे जाकर
भी देखते हैं और भी कहीं होगा, इनकी कृपा से आज बड़ी अद्भुत कृपा करी है प्रभु, अपराधों के लिए क्षमा करना और ये कृपा बनाए रखना। जय जय सियाराम, जय जय सीताराम।